हेलो फ्रेंड, आज हम आपके लिए मटन कोरमा बनाने जा रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए गोश्त, मटन आधा किलो है जो ये, दही, धनिया पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, पीली मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, ये साबुत मसाले हैं, इलायची छोटी बड़ी, दालचीनी, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज कटी हुई 2 मीडियम साइज की, मखाने, गरम मसाला, काजू, ये जायफल जावित्री इसको पीसना है, ये कटा हुआ नारियल है इसको भी पीसना है, खसखस है इसको पीसना है, और तेज पत्ता, थोड़ा घी तेल डाला है तो इसमें हमने जरा ये मखाने भून लिए हैं। देखिए हमारे मखाने भून तल के तैयार हो गए हैं, अब इसमें हम निकाल देंगे। इसके बाद हम और तेल डालकर प्याज ब्राउन कर, हमारा प्याज ये ब्राउन हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम ये डाल देंगे इसको, इसके बाद अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, तेजपात, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, धनिया, और हमने 2 चम्मच लिया थी, और मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच पीली मिर्च, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, पानी डालते हैं, भून के पानी डालते हैं इसमें लगभग 2 गिलास, जिससे ये गल जाए। इसके बाद हम ढकना लगा देंगे और 8-10 सीटियां आने देंगे इसमें, ये बिल्कुल गल जाए। इसके बाद नारियल जो कटा था, खसखस, काजू, जायफल जावित्री, और ये गरम मसाला भी इसी में। मखाने, प्याज इसमें भून लेंगे, पीस देंगे, पीस गया है इसमें थोड़ा ये दही भी डालो। देखिए ये हमारा इसके बिल्कुल तैयार हो गया है ये बारीक। इसमें अब 8-10 सीटी आ, क्योंकि हम खोल लेंगे इसको,
देखिए हमारा गुड़ गल गया है, इसमें हम ये ऐड डाल देंगे। यहाँ पे एक मसाला इसमें पीसा था, नारियल, खसखस, इसको हमें और भी और भूनेंगे जब तक ये मसाला पक नहीं जाता। सारी हरा निकल जाएगी। देखिए हाँ ये भून रहा, और ये मसाला में ऊपर आने तेल आने लगा ये सारा। देखिए हमारी मसाला बिल्कुल भून चुका है, तेल में छोड़ दिया है और इसमें लाजवाब भुजवा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी तरीके से ही भुन चुका है। थोड़ा सा हम पानी डालते हैं। बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है इसमें। इसको खाकर आप उंगली चाटते रह जाएंगे। अगर आज हमारी आपको मटर कोरमा की रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।